बरिया लेकर के आ रहा है। जय पुत्र गोपी चंद तो घोड़ा ततलिया लेकर के आ रहा है, लेकिन वे अपनी सती ब्याही की बल से घोड़ा ततलिया को खोल करके आ रहा है, परंतु वह अपने सती ब्याही को कहा तो चंद्रगण भेज दिया ये कह करके कि मैं अभी गुरु के पास जाता हूँ, गुरु से दो रोज दस रोज का छुट्टी लेकर के कहा तो नगर गुजरात जाऊंगा, और नगर गुजरात से दुरागमन करवाने के लिए कहा तो चंद्रगढ़ आऊंगा। अच्छा ठीक है, छुट्टी तो मैं उसे ले दिया, लेकिन जब वे सती ब्याही चंद्रा को लेकर के नगर गुजरात आएगा तो कोमर होगा, कोमर होगा उसका सत भगन होगा, ये सारा वंश का कहानी मेरा अमर नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोमर तो होने नहीं दूंगा, पहले गोपी चंद को तो आने दो। जय मैंने अपने साथ में घोड़ा ततलिया को लेकर के
आपका मंदिर के शिशवा में मैं पहन कर रखा हुआ है। क्या घोड़ा ततरिया को मंदिर का पीछे में बांध दिए? हाँ गुरुदेव, ठीक है मेरा भक्त। गुरुदेव बोलो, अब तो मैंने आपका वचन को पूरा करते करते 12 वर्ष बीतने के लिए जा रहा है। हाँ हाँ, ये तो सही है। एक बार मुझे आज्ञा दे दीजिए, माता की सेवा करने के लिए मैं नगर गुजरात चलूंगा। ईश्वर, क्या माता क्या मेरे वियोग में शोक में अंधी बन गई? ना खाने के ठिकान, ना पानी पीने के ठिकान, और ना सोने के लिए। इसलिए मुझे एक बार आज्ञा चाहिए, 2-4-10 रोज के बाद मैं कहां तो अपने मां चरण की सेवा करने के लिए मैं चलूंगा। है जो महात्मा बन जाता है ना, जो ऋषि बन जाता है, उसे न माता न पिता न धाम न दौलत किसी से मतलब है, केवल भगवान का नाम का गुणगान करता है। इसलिए मेरा भक्त, मेरा बात मानो तो मां चरण की सेवा से अच्छा भगवान की भक्ति में है, पुण्य है। छोड़ो उस बहाना को, जहां तुम्हें दिल जाता है उस दिल को घुमा करके वापस ले आओ। माता मैना की चरण की सेवा करने से कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं गुरुदेव, या मां चरण की सेवा करने के लिए आप मुझे मत बोलिए प्रभु।
अरे रोना नहीं, जब मैं हूँ तो सब कुछ है। आज तुम्हें अपने माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए तुम्हारा दिल दौड़ गया तो कोई बात नहीं, इसमें रोने की क्या बात है, क्यों रोने लगा। लेकिन अच्छा वही होगा, अच्छा वही होता जो मातरम की सेवा छोड़ करके भगवान का गुणगान करते। लेकिन फिर भी तुम्हें इच्छा है कि मैं माँ की दरबार एक बार फिर लौट करके जाऊं दो चार दस रोज के लिए, तो कोई बात नहीं, इसमें रोने की क्या बात है। मैं अवश्य मौका दूंगा माता चरण की सेवा करने के लिए, मत रो, रोने की जरूरी नहीं, धैर्य धारण करो। ठीक है तुम जा सकते हो माता चरण की सेवा करने के लिए, लेकिन ये 10 रोज का छुट्टी नहीं, तुम्हें सिर्फ 3 रोज का छुट्टी मिलेगा, सिर्फ हाँ 3 रोज। क्या 3 रोज माँ चरण की सेवा करने की? नहीं, 3 रोज माँ चरण की सेवा नहीं, 1 रोज तुम्हें लगेगा नगर गुजरात जाने में, और 1 रोज लगेगा उधर से फिर इधर आने में, 2 रोज चला गया, शेष बचा 1 रोज। 1 रोज तुम अपने माता मैना की चरण की सेवा करना, समझ गया? प्रभु ठीक है, जाओ जा सकते हो। संत सरोवर कंगीर चला, संत सरोवर कंगीर चला, जाई पकारो याद या नित निर्मल भय, साधु से सत्संग। ठीक है जाओ, नगर गुजरात जा सकते हो, लेकिन याद रहे मेरा भाग, 3रा दिन फिर तू नगर गुजरात से घूर करके कहा तो यहाँ मेरे आश्रम में आ जाना, क्योंकि जिस रोज से घोड़ा कतलिया गड़बड़ा ली इंद्रासन से खोल करके ले गया था, उस रोज से इंद्रासन सुना पड़ गया है। मैं वह घोड़ा ततलिया लेकर के कहा तो इंद्रासन जाऊंगा, इसलिए मेरा मन, जाओ जा सकते हैं। ऐसे में गुरु मां चरण की सेवा करने के लिए भेजा, 1 रोज जाए में लगे और 1 रोज आओ, लेकिन यह शादी शती चंद्रा व सिंगापुर बंगाल में कलाकार से छोड़े लगे, शती के साथ में सब करने से यही शती 1 रोज ने 1 रोज जरूर आना कि हम दोनों करा के नगर गुजरा दिया। हर कोई बात ना, पहले मां के पास से जा दे आप नारायण जी हे को भात ले यही चल गोपी चल,
तुम चलोगे डाल डाल तो मैं चलूंगा पात पात। अब मेरा चाल देख, तुम माता मैना की चरण की सेवा के लिए जा रहे हो मैं जानता हूं। तुम इस समय अपने घर जाओगे तो सती ब्याही को दुरागमन करवाने के लिए जाओगे, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा मैं जानता हूं। अब मैं चलता हूं कहां तो हिरिया दिरिया बंगाली के भाव से, हिरिया दिरिया बंगाली से सत करवा कर ये चंडाल अपने सती ब्याही को लेकर के नगर गुजरात जब लौटेगा तो रास्ता में बहुत भयंकर जंगल है, उस जंगल में वह हिरिया दिरिया के द्वारा दोनों को बिछोड़ करवा देगा। ना दोनों आदमी मिलेगा ना सुहागरात होगा।